तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले एक नए गैलेक्सी A52 के बारे में। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये फ़ोन ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक महीने पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ़ोन का जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो ग्लोबल वेरियंट भी लॉन्च किया गया है जो कि आता है 5G के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम सब इसी फ़ोन के बारे में बातें करने वाले हैं क्योंकि जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो ये फ़ोन काफ़ी जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। इवन सैमसंग का एक सपोर्ट पेज भी इस फ़ोन का खुल चुका है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मुश्किल से एक महीने के अंदर ये फोन इंडिया के अंदर आपको लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा। तो दोस्त इस फोन के साथ क्या सारी कमाल की चीजें होने वाली है, 4G वाले वेरिएंट पे इस फोन के ऊपर आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, भाई सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्त आओ सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि गैलेक्सी A52 5G की प्राइसिंग इंडिया के अंदर हो कितनी सकती है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल 4G वाला वेरिएंट है इस फोन का वो इंडिया के अंदर लगभग 25 से 26 हज़ार रुपए का मिलता है अगर आप लोग सारे ऑफर्स वगैरह लगा देते हो तो। और भैया फिर मैं अगर US वाली प्राइसिंग को देखते हुए गैलेक्सी A52 5G की प्राइसिंग को इंडिया के अंदर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ तो यार ये लगभग 30 हज़ार रुपए से कम के तो प्राइस पॉइंट पर इंडिया के अंदर नहीं लॉन्च होने वाला है। अब ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि अगर इसके कम प्राइस पॉइंट पर ये फोन इंडिया के अंदर आ जाएगा तो सच में एक चमत्कार वाली बात होगी। बाकी आप लोग कम से कम 30 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पे इस फोन को इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ एक्सपेक्ट करना, और उससे कम में तो ये फोन नहीं आने वाला। और अब बातें कर लेते हैं कि क्या 30 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पे क्या ये फोन वर्थ है। अब देखो भाई अगर आपको गैलेक्सी A52 4G के बारे में पता होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा 5G वाले वेरिएंट के साथ भी आपको वही सारी चीजें देखने को मिल जाएगी जो कि उस फोन के साथ हमने देख रखी है। बस यहाँ पे आपको फर्क SoC का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 4G वाले वेरिएंट के साथ हमने Qualcomm Snapdragon 720G देख रखा था तो इस फोन के साथ हमें एक 5G SoC Qualcomm Snapdragon 750G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोनों में फर्क कितना है परफॉर्मेंस के मामले में ये बात आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं बेंचमार्क को देख के पता लगा सकते हो। लेकिन कुल मिला के दोस्त यहाँ पे फर्क तो 5G का आ जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक 5G SoC है और इस वजह से ये फोन भी 5G हो जाता है। बाकी की स्पेसिफिकेशंस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों फोन्स के साथ, फिर भी इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं गैलेक्सी A52 5G के साथ यहां पे आपको एक 4500mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 5G का यहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 25W का फास्ट चार्जर इस फोन के बॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगा, एक 6.6 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन वाली OLED पैनल का यहां पे हमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा विद ऑफ कोर्स पंच होल कैमरा कटआउट। आपको बताना चाहूंगा एक जो बुरी बात मुझे इस फोन के साथ लगी वो ये है कि 30 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट में भी दोस्त ये फोन आपको एक पॉलीकार्बोनेट की बॉडी प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज है। बाकी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस फोन के फ्रंट साइड पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए हैं, IP प्रोटेक्शन का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई साहब अगर कैमरा की बातें कर ली जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस फोन के साथ आपको सबसे पहले एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको अपर्चर F1.7 का देखने को मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल का अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जहाँ पे 115 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नो डाउट यहाँ पे आप लोग 4K में वीडियो बना सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड तक में। फ्रंट साइड पे आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बाकी ये तो थे कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स गैलेक्सी A52 5G की। अब वैसे यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पे आपके क्या राय है, आपकी क्या सलाह है इस फोन के बारे में, भाई सारी चीजें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो दोस्त इस वीडियो पे चिपका देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब इस लाल वाले बटन को दबा के। और चलो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।